मैं अपनी पुस्तक अपने यहाँ सब चलता है से एक व्यंग्य आज आपको सुना रहा हूँ, जिसका शीर्षक है जब तक उनका नाम रहेगा तब तक सूरज चांद रहेंगे। धन दौलत आल औलाद नौकर चाकर बंधु बांधव जीते जी इनमें से जितना कुछ हासिल किया जा सकता है वे हासिल कर चुके थे। अब वे अमर होना चाहते थे, यही एक ख्वाहिश अधूरी थी। किसी ने नेक सलाह दी, बिना मरे अमर नहीं हुआ जा सकता है, मगर वे मरना नहीं चाहते थे। मर मरा गए तो कैसे पता चलेगा कि वे अमर हुए भी या नहीं, पर और कोई जुगत भी नहीं थी। उन्होंने अनमने तरीके से इस धरती का भार कम करने का निर्णय लिया। आखिरकार नेक सलाह की कदर करते हुए वे मर ही गए। परिजनों को इस बात का संतोष हुआ कि मरने से पहले उन्होंने किसी चीज की, चाहे वह एक अदना सी सलाह ही क्यों न थी, कद्र तो की। उधर उनकी सांस रुकी, इधर लोगों ने चैन की सांस ली। जब तक सूरज चांद रहेगा नामक नारा गूंजा, वे अमर हो गए। उन्होंने मरने से पहले अपने अमरत्व के लिए क्या कुछ नहीं किया। लगभग वे सारे के सारे हथकंडे जो हो सकते हैं अपनाए। अंतिम दिनों में उन्हें एक अजीब लत पड़ गई थी। कुछ लोग इस लत को अमरत्वफोबिया कहते थे। जो कोई भी उनसे मिलने आता था वे उससे पूछते, और क्या हालचाल है, सब कुशल तो है? मिलने वाला कहता, आपकी कृपा से सब ठीक ठाक ही है। वे पलट कर कहते, क्या खाक ठीक ठाक है, तुमने तो मुझे पहचान भी लिया, वरना आज के ज़माने में लोग अपने बाप दादाओं तक को नहीं पहचानते हैं, तुम्हें अपने लकड़ दादा का नाम पता है? भेंट करता अपनी बगलें झांकने लगता। तब वे समझाते, यही तो कठिनाई है, जब अपनी ही औलादें याद नहीं रखती हैं तब गैरों से क्या उम्मीद की जाए। फिर वे कहते, इस नाते मैं सोचता हूँ और चाहता हूँ कि अपने जीवन काल में ही ऐसा कुछ कर जाऊँ कि मेरा नाम अमर रहे। सचमुच वे अपने जीवन काल में कुछ नया करना चाहते थे। नाम के लिए कुएं खुदवाने में उन्हें कोई रुचि नहीं थी, वे दूसरों के लिए गड्ढा खोदने में विश्वास रखते थे। फलदार वृक्ष लगवाना, प्याऊ बनवाना या फिर मंदिर धर्मशाला के निर्माण को भी वे वाहियात चीजें मानते थे। ये सब अमर होने के घिसे पिटे फार्मूले थे जो बाबा आदम के जमाने से चले आ रहे थे। वे इस मामले में दूसरों का अनुकरण नहीं करना चाहते थे। उनका इरादा था कि वे ऐसा कुछ कर जाएं जो दूसरों के लिए अनुकरणीय बने। वे प्रगतिशील थे, देश पर कुर्बान होने को परंपरावादियों का षड्यंत्र मानते थे। वे मरकर भी परंपरावादी नहीं कहलाना चाहते थे। उनके पूर्वजों को गरीबी परंपरा में मिली थी, उन्होंने गरीबी की इस खानदानी परंपरा को एक ठोकर में तोड़ दिया था। अब वे इलाके के सबसे धनी मानी लोगों में प्रमुख थे। शालीनता उनकी पुश्तैनी विरासत थी। उन्होंने इसको ऐसा छोड़ा कि वह आज तक उनके पास फटकना तो दूर, उनकी परछाई तक से चार हाथ दूर चलती थी। उन पर अमरता प्राप्ति का भूत सवार था। यह भूत उन पर यूं ही नहीं चढ़ा था, पहले वे ठीक ठाक थे। अचानक न जाने क्या हुआ और एक नेक बंदे ने उन्हें यह सलाह दे डाली कि आपको कुछ नया करना चाहिए, आपने बहुत कुछ कर धर लिया, सारे सुख उठा ले गए, अब कम से कम इस दुनिया से उठने से पहले कुछ ऐसा कर जाइए कि आपका नाम मरने के बाद भी चलता रहे। पहले उन्हें भ्रम था कि उनका नाम मरने के बाद बेटे बेटियों के सहारे भी चल सकता है, पर बेटे बाप पर नहीं गए थे, बेटियां माँ पर चली गई थी। तब वे मन महसूस कर रह गए। उन्हें एहसास हुआ नाम के लिए कुछ और भी करना पड़ता है। तत्पश्चात वे अमर होने के जुगाड़ में लग गए। उन्होंने गांधी, पटेल, सुभाष, आज़ाद वगैरह की जीवनियां अटक अटक कर पढ़ी, मगर इन सब लोगों के अमर होने की राहें उन्हें कठिन लगी। कठिन ही नहीं, नागवार, दुश्वार और अटपटी भी लगी। एक बार उन्होंने अमरत्व लूटने की इच्छा से कविताएं लिखने की कोशिश की, दो चार को सुनाई, कुछ एक लोक गायकों से जबरदस्ती गवाई, किंतु वे मेले ठेलों तक में लोकप्रिय न हो सकी। वे कबीर बनना चाहते थे मगर समीर भी न बन पाए।
तब उन्होंने सीमित संसाधनों में महान कार्य किया। लेखपाल को पटाकर ग्राम समाज की जमीन अपने नाम करा ली। भूमिहीनों के पट्टों, चक्रोड़ों, यहाँ तक कि मेड़ों की जमीनों तक पर अपना नाम दर्ज करवा लिया। रातों रात पोखर के किनारे अपने नाम का पत्थर गढ़वाया। प्राथमिक पाठशाला और पंचायत भवन पर अमरत्व का झंडा गाड़ दिया। वे रोजगार योजनाओं से प्राप्त सरकारी धन से निर्मित संपर्क मार्ग से चलते हुए मुख्य सड़क पर आ गए। उस सड़क के किनारे उन्होंने एक भव्य प्रवेश द्वार बनवाया। क्योंकि यह द्वार राजकोष के अंश से बना था, इस नाते उसकी भव्यता अमर लोक को मात दे सकने की क्षमता रखती थी। उस दिव्य प्रवेश द्वार के मुंह पर उन्होंने अपना नाम मय वल्दियत खुदवा मारा। अब वे पूर्ण रूपेण निश्चिंत थे। अमर होने का पुख्ता इंतजाम हो चुका था। अब सूरज चांद भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। जब तक उनका नाम रहेगा, तब तक सूरज चांद रहेंगे।